पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने किसान आंदोलन को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है। डोटासरा ने कहा कि केंद्र सरकार पुलिस का दुरुपयोग करके किसान आंदोलन को कुचलने की कोशिश कर रही है और मोदी जी ने अपने दोस्तों के साथ एमओयू किया है। पीसीसी चीफ डोटासरा ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। देखिए, कांग्रेस पार्टी हमेशा से किसान के साथ में खड़ी है, इसमें कोई दोहरा नहीं हो सकती। राहुल गांधी जी ने एनडीए वन में भी जब भूमि अधिग्रहण कानून को ये चेंज करना चाहते थे उद्योगपति मित्रों के लिए, तब भी तकड़े तरीके से किसानों का साथ दिया था और कांग्रेस पार्टी के साथ के कारण से किसानों की बातों को मानी गई थी, मजबूर होकर के मोदी जी ने मानी थी। आज भी पहले दिन से जब से ये किसान ये कह रहे हैं कि हमने ये कानून मांगे नहीं, आप जबरदस्ती हमको क्यों दिला रहे हो, क्यों दे रहे हो ऐसे कानून जिससे हमारा कोई फायदा नहीं होने वाला है, हमारी आमदनी दोगुनी नहीं होने वाली है, हमारे को हमारी लागत का 50% मुनाफा नहीं मिलने वाला है, तो आप जबरदस्ती ये क्यों कर रहे हो। मोदी जी इसलिए नहीं मान रहे हैं कि मोदी जी ने अपने मित्रों के साथ में एमओयू कर रखा है और वो एमओयू करके उन्होंने अपने मित्रों को, जो मुझे जानकारी मिली है, 700 करोड़ रुपये से ज़्यादा तो उन्होंने ये गोदाम वगैरह के लिए इनके लिए दे दिए और पता नहीं कितना इन्होंने एग्रीमेंट कर रखा होगा। तो ऐसी स्थिति में किसान के साथ में वो जुल्म कर रहे हैं। किसान जो धरना प्रदर्शन कर रहे थे वो सही तरीके से चल रहे थे, लेकिन कुछ असामाजिक तत्वों ने, जिससे केंद्र के सरकार की मिली भगत के लिए भी लोग बाग बातें बना रहे हैं, इस आंदोलन को ख़त्म करने के लिए जिस तरीके का माहौल बनाया गया वो बहुत गलत है। आज देखिए, आज जैसे अंग्रेज जुल्म करते थे वैसे बॉर्डर के ऊपर सेनाएं पड़ी हैं, पुलिस पड़ी है, किसानों को खदेड़ा जा रहा है, उनमें फूट डलवाई जा रही है। मतलब राज का इतना बड़ा दुरुपयोग मैं समझता हूँ 70 साल में कभी नहीं हुआ, और जो अंग्रेजों ने जिस प्रकार से जुल्म किए थे उस प्रकार से जुल्म आज मोदी सरकार करके किसानों को कुचलना चाहती है। पीके जी का जो कल जिस प्रकार से हवाबिल हो रहे थे, आप देखिए उनकी आत्मा रो रही थी कि भाई तुम क्यों मारना चाहते हो, हमको क्यों हटाना चाहते हो, ऐसी क्या नौबत आ गई आपकी। आप अगर किसी असामाजिक तत्व ने कोई गलत काम किया है तो उसके खिलाफ आप कार्रवाई करो, कोई कांग्रेस पार्टी या कोई भी विपक्षी दल उसमें आपको मनाई नहीं कर रहा है, लेकिन लाल किले की घटना को जोड़ करके किसानों को यहाँ आकर के उसमें घर में घुस करके और उसको मारना, उनको गिरफ्तार करना, ये कहाँ का प्रजातंत्र है। देखिए, कांग्रेस पार्टी हमेशा से किसान